जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ है कंट्री इन न्यूज़, जहां पे हम लोग चर्चा करते हैं उस देश के बारे में जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा, किसी भी कारण से दोस्तों न्यूज़ में रहेगा, तो उसको दोस्तों हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। तो आज नंबर है दोस्तों लीबिया का। आपने दोस्तों न्यूज़ में सुना होगा, लीबिया में बहुत भयंकर दोस्तों बाढ़ आई है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोग घर से बेघर हो गए, और जो डेथ टॉल है दोस्तों अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। तो उसको दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं, 8 से 10 मिनट में हम लोग दोस्तों हार्डली कवर कर लेंगे पूरा का पूरा इवेंट और वो पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप भी यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी 2024 के एस्पायरेंट है, या फिर दोस्तों आपका कोई फ्रेंड है जो कि किसी स्टेट बीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसमें दोस्तों आप इस चैनल को रेफ़र कर सकते हैं द सिलेक्शन क्लासेस। एंड आप भी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐप जो है वो डाउनलोड करिए। उस ऐप में दोस्तों आपको मॉक मिलेंगे देखने के लिए, वहाँ पे दोस्तों टेस्ट सीरीज़ भी रहेंगी, एंड वहाँ पे दोस्तों डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं। तो इस छोटे से एडवर्टीजमेंट के बाद दोस्तों हम लोग आज की जो चर्चा है शुरू करते हैं लीबिया के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो पिक्चर है ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो बाढ़ है दोस्तों कितनी भयंकर होगी और क्या दोस्तों मंजर रहा होगा जब दोस्तों ये बाढ़ जो है वहाँ पे आई होगी। तो ये दोस्तों जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है उसको देखते हैं दोस्तों न्यूज़ में क्या है कि अ कैटास्ट्रोफिक फ्लड हैज़ किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल इन द ईस्टर्न लीबियन सिटी। ठीक है, तो पूर्वी दोस्तों लीबियन सिटी डरना, दोस्तों आपको याद रखना, डरना सिटी में दोस्तों ये बाढ़ आई है जिसकी वजह से दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल हैं दे हैव बीन स्वेप्ट अवे इन टू द सी। ठीक है, तो जो समुद्र है दोस्तों वहाँ पर बह गए, और कितने लोग दोस्तों अभी भी मिसिंग है, देर इज़ नो ऑफिशियल नंबर वी कैन से। तो इसके पीछे का दोस्तों रीज़न क्या है कि बाढ़ आखिर क्यों आई। तो रिसेंटली दोस्तों एक डेनियल नाम का तूफान है जिसने दोस्तों जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं उनको दोस्तों हिट किया, और इस हिट करने के बाद दोस्तों वो एंट्री करता है लीबिया में। तो लीबिया में दोस्तों जब वो एंट्री करता है तो उस तूफान की वजह से, बेसिकली समुद्री तूफान था, उस तूफान की वजह से दोस्तों इतनी घनघोर वर्षा होती है कि पूरा का पूरा जो वहाँ पे जो डैम सिस्टम है पूरा का पूरा फेलियर हो जाता है। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, द रेन डम्प्ड बाय द स्टॉर्म फील्ड नॉर्मली ड्राई रिवर बेड और वाडी, जिसको दोस्तों वाडी बोलते हैं, रिवर बेड का मतलब जो खाली जो रिवर बेड पड़े हुए थे, वाडी जिसको बोलते हैं, पूरा का पूरा दोस्तों उसको भर दिया इस रेन ने। एंड इन द हिल्स आउट टू द डेरना द प्रेशर वॉज टू मच फॉर द डैम्स बिल्ट टू प्रोटेक्ट द सिटी फ्रॉम द फ्लड्स। तो दोस्तों ये जो पानी का प्रेशर इतना था कि जो दो डैम बने थे इस फ्लड से बचाने के लिए, तो कोलैप्स्ड एंड अनलीशिंग ए टॉरेंट दैट रन थ्रू द सिटी। तो ये दोस्तों जो दो डैम बनाए गए थे उनकी सामर्थ्य से ऊपर दोस्तों इतना प्रेशर था कि उनको बेयर नहीं कर पाया, एंड अल्टीमेटली दोस्तों ये जो फ्लड है पूरे के पूरे सिटी में दोस्तों आ गई। अब दोस्तों थोड़ा सा ज्योग्राफी को समझते हैं लीबिया के बारे में। तो लीबिया दोस्तों यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो कि इसके ईस्टर्न में दोस्तों मेडिटेरेनियन सी है, और एक दोस्तों गल्फ आपको याद रखना है, गल्फ ऑफ सिद्रा, SIDRA। ठीक है, तो इसकी कैपिटल है दोस्तों त्रिपोली। तो फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है दोस्तों अफ्रीका में, लीबिया इज़ ए बिगर देन द अलास्का। अलास्का दोस्तों USA का एक तरह से वी कैन से स्टेट समझ सकते हैं या प्लेस समझ सकते हैं जो कि हेजेमनी है USA की उस पर। द कंट्री बॉर्डर्स आर मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ, वी कैन सी नॉर्थ में दोस्तों जो भूमध्य सागर है, टूनीशिया एंड अल्जीरिया टू द वेस्ट। ठीक है, तो इसके वेस्ट में दोस्तों दो कंट्री हैं, टूनीशिया और अल्जीरिया, नाइजर एंड चैड टू द साउथ। ठीक है, तो साउथ में दोस्तों वी कैन सी दो कंट्री हैं, नाइजर और चैड, एंड सूडान एंड इजिप्ट टू द ईस्ट। ठीक है, तो इजिप्ट दोस्तों यहाँ पर है, सूडान दोस्तों नीचे की तरफ है। तो ये दोस्तों बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। तो यदि हम इसको दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो वी कैन स्टार्ट विथ टी टूनीशिया, फिर दोस्तों अल्जीरिया, फिर दोस्तों नाइजर, फिर दोस्तों चैड, एंड उसके बाद दोस्तों साउथ सूडान, और वी कैन से नॉर्थ साउथ सूडान, सूडान ऑल्सो, एंड देन इजिप्ट। तो ये दोस्तों 6 कंट्री हैं जो कि दोस्तों बॉर्डर बनाते हैं लीबिया के साथ में, एंड नॉर्थ में दोस्तों भूमध्य सागर, एक गल्फ दोस्तों आपको याद रखनी है, गल्फ ऑफ सिद्रा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो लीबिया की दोस्तों जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है या जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, पूरा का पूरा दोस्तों कवर्ड बाय द लीबियन डेजर्ट, जो कि दोस्तों पार्ट है पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट का, जो कि दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। तो लीबिया दोस्तों इतना ड्राई है कि देर इज़ नो परमानेंट रिवर फ्लोज थ्रू द बाउंड्रीज ऑफ द लीबिया, कोई भी दोस्तों परमानेंट रिवर नहीं है वहाँ पे। दोस्तों एक रिवर है जो कि मैन मेड रिवर है जिसका नाम GMMR है, दैट इज़ ग्रेट मैन मेड रिवर, उसको भी डिस्कस करूँगा अभी मैं। द वाटर मे फ्लो बीनीथ टू द ग्राउंड एंड ओकेजनली सीप अबव ग्राउंड इन टू द ड्राई
सीम बेड्स कॉल्ड वाडीज़। ठीक है, तो ये दोस्तों वाडीज़ आपको याद रखना है। जैसे होता क्या है कि वाडीज़ नाली टाइप बना रखा है उन्होंने, तो कभी कभी दोस्तों ग्राउंड वाटर ऊपर की तरफ आ जाता है और वाडीज़ में दोस्तों ये फ्लो होता रहता है, उसी से दोस्तों लोग अपना जीवन यापन करते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों उन्होंने GMMR का भी निर्माण किया है, जिससे कि इरीगेशन पर्पज़ वगैरह वो अपना सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो वाडीज़ दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो टू एक्सेस द वाटर बिलो द डेजर्ट। ठीक है, तो जो पानी ज़मीन के नीचे है उसको एक्सेस करने के लिए लीबिया ने दोस्तों ग्रेट मैन मेड रिवर GMMR, दोस्तों ये बताया जाता है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, और वी कैन से सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है, पाइपलाइन नेटवर्क जो कि ज़मीन के अंदर है, अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस दैट ड्राइव डिलीवर फ्रेश वाटर टू द सिटीज़। ठीक है, तो ये दोस्तों जो पूरा का पूरा नेटवर्क आप देख पाएंगे पाइपलाइंस का, ये दोस्तों पानी डिलीवर करता है डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द लीबिया में अपॉन इट्स कंप्लीशन इन द ईयर 1991, जब दोस्तों कोलैप्स हुआ था यूनियन जो है सोवियत यूनियन, तभी दोस्तों ये कंप्लीट हुआ था प्रोजेक्ट। द रिवर बिकम द लार्जेस्ट परमानेंटली फ्लोइंग वाटर सोर्स इन द लीबिया। ठीक है, तो ये दोस्तों जो ग्रेट मैनमेड रिवर है यही दोस्तों वी कैन से परमानेंट फ्लोइंग रिवर है अभी लीबिया में, लेकिन दोस्तों ये नेचुरल रिवर नहीं है, परमानेंट वी कैन से आर्टिफिशियल रिवर है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है मैप में। तो यदि दोस्तों थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, देखेंगे तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है दोस्तों यहाँ पे फैला हुआ है इसका, और ये दोस्तों कुछ फेजेस में काम हुए यहाँ पे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो ये दोस्तों कुछ जैसे सहारा डेजर्ट दोस्तों इसके साउथ में है, सहारा डेजर्ट। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा इसके और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों दो ग्रुप्स हैं बर्बर। ठीक है, बर्बर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, बर्बर एंड अरब एथनिक ग्रुप मेक अप अबाउट 97% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। तो दोस्तों वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें 97% बर्बर और अरब लोग हैं। तो कंट्रीज़ का जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है दोस्तों ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अल कूफ नेशनल पार्क। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, अल कूफ नेशनल पार्क विच इज़ नोन फॉर इट्स सैंड ड्यून्स वेटलैंड्स एंड हिली टेरेन। ठीक है, तो जो दोस्तों अपने हिली टेरेन और वेटलैंड के लिए जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है। इट इज़ होम टू इजिप्शियन वुल्व्स, गोल्डन ईगल्स, रेड फॉक्सेस, फ्लेमिंगोज एंड अदर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये दोस्तों नाम जरूर आपको याद रखना है, अल कूफ नेशनल पार्क। अब दोस्तों यदि हम लीबिया के बारे में समझेंगे, इसकी कैपिटल जैसे मैंने बताया त्रिपोली है, इसमें दोस्तों जो हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज़ माउंटेन बिक्कूबिट्टी। हाँ, बिक्कूबिट्टी, तो हाईएस्ट माउंटेन दोस्तों बिक्कूबिट्टी। और लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर दोस्तों जैसे मैंने बताया नेचुरल रिवर तो कुछ है नहीं, लेकिन दोस्तों जो ग्रेटेस्ट जो मैन मेड रिवर है, मैम लिख दिया मैंने, मैन आएगा दोस्तों, तो इसको शॉर्ट में याद रखते हैं GMMR। ठीक है, तो GMMR दोस्तों सबसे बड़ी रिवर है जो कि दोस्तों मैन मेड रिवर है। किसी फुर्सत की वीडियो में दोस्तों GMMR के बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा, क्योंकि दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट दोस्तों ये स्लाइड है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लेक के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन दोस्तों अक्सर लेक से पूछे जा सकते हैं, ऊटपटांग सा नाम दे देते हैं लेक का, द ओबारी। हाँ, सैंड सी ऑफ द सहारा इन द लीबियन पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल ओएसिस इन द वर्ल्ड। ओएसिस का मतलब होता है दोस्तों रेगिस्तान में यदि पानी मिल जाता है थोड़ा सा पानी, उसको ओएसिस बोलते हैं। तो ओबारी जो सैंड सी है दोस्तों ये सहारा डेजर्ट में ओएसिस का काम करता है। तो ओबारी सैंड सी द लार्जेस्ट ऑफ दीज लेक। ठीक है, इसमें दोस्तों एक लेक है उमअलमा। ठीक है, क्या नाम है उसका, उमअलमा गैबरॉन। ठीक है, उमअलमा गैबरॉन, जिसका मतलब है दोस्तों मदर ऑफ वाटर्स, मदर ऑफ वाटर्स। तो उमअलमा गैबरॉन आपको याद रखना है, जो कि एक लेक है, लार्जेस्ट लेक है दोस्तों, किसमें, ओबारी सैंड सी ऑफ सहारा में। द वाटर इन इट्स वेरी सॉल्टी। जैसे दोस्तों जो डेड सी में पानी का जो वाटर का वी कैन से सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, बहुत ही खारा पानी है दोस्तों, ऐसे उसके ही बराबर का दोस्तों खारा पानी है इस पानी में। और ये दोस्तों जो लेक है, क्या नाम है उसका, उमअलमा। ठीक है, माँ से दोस्तों आप याद रखेंगे, मदर ऑफ वाटर्स इसका नाम है लीबियन में यदि हम बात करेंगे। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, यदि आप भी इस चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। द सिलेक्शन क्लासेस गूगल प्ले पे दोस्तों एंड्रॉयड ऐप है, एंड आप दोस्तों हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। बाय दोस्तों।